अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। अब तक हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज और प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। उन दोनों की डिस्कवरी के बाद जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उससे पहले रदरफोर्ड ने यह प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास जो दो चीज़ें अब तक डिस्कवर हुई हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की बेस पर जो है एटॉमिक मास, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसका आंसर आप कह लें सही नहीं निकलता अगर हम जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही देखते हैं। किस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन मौजूद हैं, जितने भी मौजूद हैं वो अलग बात है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि हमने इसका मास मेजर किया, ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, हमने इसका मास मेजर किया तो वो हमारे पास आ रहा है टोटल मास, लेट्स से सपोज किया हमने 20 ग्राम आ रहा है। फिर हम बात करते हैं कि जब हमने प्रोटॉन का मास मेजर किया तो वो आ रहा था हमारे पास 8 ग्राम, इलेक्ट्रॉन का मेजर किया तो वो आ रहा था 4 ग्राम। तो जब हम अगर इन दोनों को टोटल करें तो ये तो बराबर आता है 12 ग्राम के, मगर टोटल जो हमारे पास आ रहा था वो 20 था। जितनी चीज़ें मौजूद हैं अभी तक के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 12 ग्राम। ये सारी सपोज कैलकुलेशन है जस्ट समझाने के लिए। तो रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्ट किया कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि न्यूट्रल है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, मगर ये जो चीज़ मौजूद है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और दूसरी बात इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के ही बराबर है। तो हम अगर देखें कि हमारे पास अगर तीसरी चीज़ न्यूट्रॉन है, उसका मास हम अगर प्रोटॉन के बराबर लें जो कि प्रोटॉन का 8 है, तो ये टोटल हमारे पास 20 ग्राम हो जाता है। तो ये रदरफोर्ड की प्रिडिक्शन थी। इसके बाद चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम उसे देखते हैं। 1932 जेम्स चैडविक, चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब है हमने हीलियम गैस को यूज़ करना है, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। अब उन्होंने किस चीज़ पर बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल की, एक एलिमेंट है बेरीलियम, BE से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका जो मास है वो 9 होता है और उसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर हम कह लें वो हमारे पास 4 होता है। इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई किस चीज़ की, अल्फ़ा पार्टिकल्स की, जो कि क्या है, हीलियम 4 और 2, एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 होता है हीलियम का। जब उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई तो एक्चुअली बम्बार्डमेंट इस तरह से हुई कि पहले हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिमूव किए गए, यानी कि वो प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, फिर उसने इस पर अटैक किया। जब बम्बार्डमेंट हुई उसके बाद एक तो हमारे पास कार्बन प्रोड्यूस हुआ, कार्बन 12, दूसरी चीज़ जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई वो न्यूट्रॉन थी, ना तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ गए ना ही नेगेटिव एंड की तरफ गए, बल्कि जो न्यूट्रॉन थे हमारे पास वो न्यूट्रल थे, उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, ज़ीरो था, और उसका मास जो था वो 1, यानी कि ये 1 न्यूट्रॉन हमारे पास जो है वो बना है। एक्सपेरिमेंट क्या था, बेरीलियम पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, जिसके नतीजे में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ उसमें हमारे पास एक तो कार्बन प्रोड्यूस हुई और दूसरी चीज़ हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहली जो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब कैरी नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर हाईली पेनीट्रेटिंग। पेनीट्रेटिंग का मतलब है बहुत जल्दी किसी भी सतह में जज़ब हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स बहुत जल्दी चाहे कोई प्लास्टिक हो, लोहा हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत जल्दी उसमें जज़ब हो जाते हैं।
तीसरी चीज़ जो कि रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट की थी कि इनका मास जो है नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन बराबर है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन की, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। सेकंड, हाईली पेनिट्रेटिंग है, बहुत जल्दी जज़ब हो जाते हैं। तीसरा, इनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। अब हम इसे बुक से रीड कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है वो सॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पर हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रदरफोर्ड ने 1920 में जो है प्रेडिक्ट किया कि कोई ऐसी चीज़ जो कि न्यूट्रल है वो मौजूद है और जिसका मास जो है मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास के बराबर उसका मास है वो मौजूद है। इवेंचुअली इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया किस तरह से, व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट से क्या हुआ, ही ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई जो बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग थी, जज़ब होने वाली थी। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन कहा गया। जब बम्बार्डमेंट करवाई तो एक तो हमारे पास कार्बन 12 प्रोड्यूस हुआ, दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। दूसरी चीज़, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या, इनका मास जो है नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास के बराबर है। अब स्टूडेंट्स, हम जो टेस्ट योर सेल्फ है जो इन तीनों टॉपिक्स में से है, आप कह लें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन तीनों से रिलेटेड है, उसे देख लेते हैं। तो इसमें टेस्ट योर सेल्फ 2.1 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट इन इट्स एटम्स। क्या आप किसी ऐसे एलिमेंट के बारे में जानते हैं जिसके एटम्स में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है? तो यस, जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। किस तरह से, जो हाइड्रोजन होता है उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर भी जो होता है उसका 1 होता है और उसका जो मास नंबर है वो भी आप कह लें 1 होता है। किस तरह से, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन उसमें कोई भी नहीं होता। और हमें पता है मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो वो इसलिए 1 के इक्वल आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा यस, हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो जो हमारे पास प्रोटॉन है, हमने पढ़ा भी है पीछे जहाँ पे हमने प्लम पडिंग थ्योरी पढ़ी थी, गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और 1932 में जो हमने आज पढ़ा है गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये तीनों ने, आपने इन तीनों साइंटिस्ट के नेम और विद ईयर बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कैसे डिफर करता है, दोनों में क्या फ़र्क है? हम एक साइड पे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड पे हम देख लेते हैं न्यूट्रॉन। तो पहला फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। तो पहला फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जबकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से, ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इर्द गिर्द जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो यही दो बेसिक डिफरेंस हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है जबकि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उससे एनोड रेज कैसे बनती हैं? एनोड रेज का मतलब पॉजिटिव रेज, यानी कि प्रोटॉन्स की बात हो रही है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव रेज कह दिया गया है। तो जब हमने प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी गैस पार्टिकल है
जब इसके साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोलाइड करते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से जो पॉजिटिव रेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसका आपने फोर्थ पॉइंट जो है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो फोर्थ पॉइंट आपने कंप्लीट इक्वेशन के साथ लिखना है।